एक राजा की कहानी सुनाए आपको। बहुत अच्छा राजा था जो अपने प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाला। अम्भा नगरी में बसे कोई अम्भ नाम को भूप अति दयाल पर स्वार थी और दया धर्म को रूप। अम्भा नगरी में एक राजा अम्ब राज करते थे जो बहुत ही दानी राजा थे। उनके दरवाजे से कोई भी याचक कभी विमुख नहीं लौटा था। कैसा था राजा सुनो ना। आमिली नाम की रानी थी पतिव्रता पति की प्यारी थी और सरवर नीर कुमार दोनों द्विवेदन की महतारी थी। एक राजा अम्ब उनकी दुल्हन का नाम आमली उनके दो बच्चे सरवर और नीर। हाय हाय कैसा राजा था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ए बनी बिगड़ जाती है रपल में बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र अखलेश्वर की न समझ किसी के आती है। करो शोरगुल बंद ध्यान देख सुनो जता सकी वाणी को। टूटे फूटे शब्दों में कभी दुख की भरी कहानी को। होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। आधार चेतन नंगला खुर्दन के भजनों में समझाएंगे। बहुत अच्छा राजा जिसके दरवाजे से कोई याचक विमुख होके नहीं लौटा। मेरे नौजवान साथियों ऐसा हुआ है राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र सोचने लगे हमें ऐसा महसूस होता है कि राजा अम्ब ने सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर अपना दांत जमा लिया। फौरन ही विश्वामित्र जी को भेजा है और विश्वामित्र जी ने आकर के अम्भा नगरी की गलियों में आवाज लगाना शुरू कर दिया। क्या आवाज लगाई है विश्वामित्र ने। अम्भा नगरी में आए सकुन एक साधु फरमायो। क्या कहा। ए पूरो करे सवाल होई कोई लाल प्रभु को प्यारो। जकी पति राखे करतार लेके जगतियो हाय रखवारो। कोई ऐसा है जो मेरे सवाल को पूरा करे। महात्मा जी गली में आवाज देने लगे। महात्मा जी आवाज देने लगी कोई ऐसा है जो मेरे सवाल को पूरा करे। जब काल की ताल बजेगी तो उस समय बड़े बड़े बहादुर चले गए वो भी चला जाएगा। और महात्मा जी ने कैसे आवाज लगाई।
जब लंबी टेर लगाई है कछु पूरा पास न सुन पाई को खींचे के लगाया तो पुरवासियों ने आकर के योगी को घेर लिया। क्या कह रहे हो महात्मा जी? जवाब दिया, शहर में कोई राजा सुना है कि बड़ा दानी है। हाथ जोड़ के प्रजा के लोग कहने लगे, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ और पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन तुम आओ। ऐसो राजा है परकाजी, सबित करे तुम्हारी राजी, धन दौलत की चलत का मांगे तो दे दी अपनी जान। ऐसा राजा है कि वो अपने प्राण भी दे सकता है। तो अब तो महात्मा जी महाराज अम्ब की कचहरी के लिए प्रस्थान करते हैं। किस तरह से चले हैं लोगों? पुरवासिन की सुन लई रे साधु ने भैया बानी, आई गौ राजा के पास रे जहां है वकीलज धानी। आ गया है जब राजा के दरबार में महात्मा आया, हाय हाय क्या हुआ सुनना। ओरे राजा रे, ओरे सामरिया, बहुत दूर से हम आए गए हैं, तेरो नाम भाओ मसे उठयो। रे राजा रे, बहुत दूर से हम आए गए हैं, तेरो नाम भाओ मसे उठवरिए। राजा रे, बहुत दूर से हम मेरे। आप ही राजा हो? हाँ हाँ, बोलिए भगवान। एकदम से महात्मा जी कहने लगे, हमने तुम्हारा नाम सुना है और मैं ये सुनता हूँ कि तेरे दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता। हाँ हाँ बाबा, समाज है, समाज चाहे तो हाथी पर बिठा दे, समाज चाहे तो गधा की योग भी न रखी, लेकिन महाराज नीचे उतर पड़ा है राजा अम्भो और महात्मा जी को सिंहासन पर बिठाल करके पहले पूजन करता है। करने के बाद में सामने खड़ा हो जाता है और वो भारत का सम्राट आज क्या कह रहा है उस महात्मा से, बाबा आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। सैले सैले न माड़कम मोक्तम न गजे गजे, साधुवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बनी बनी। महात्मा हर जगह नहीं जाते, वहीं जाते हैं जहां किसी की खुद किस्मती है। आप क्या चाहते हैं? क्या पूछा है राजा ने? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सुन साधु के बेन भरे जलने न कही बन बानी, तुम जो मांगो सोई दिए रे के संत से लानी। मांग लो बाबा, मांग लो बाबा, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, मांगो ना। करियो गिलानी न करियो गिलानी, देखा तका कह देव साबु हो बे मनमानी, देखा तका कह देव साबु हो बे मनमानी। मांग लीजिए बाबा, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। और कहा जवाब दियो राजा ने, बाबा अरे बनवाए देव मंदिर साला, we'll be right back।
जब भौकाला और ओडन को दिए दुसाला। और क्या चाहिए महात्मा को, और क्या बोलो राजम्ब, जो जो मांगो सोई सोई दी है के बाबा मैया पड़ू तुम्हार। अरे हिलकी भर गई सतबादी की के बाजा पे कांप गओ तो आधार। अरे होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, अरे होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, आधार की छाती थर्राई रही है धीरे धीरे। महाराज बनवाए दे मंदिर साला, नित जपो हरी की माला, एक बढ़िया सो कम्मल काला, ओडन को दुंगो दुसाला। और क्या चाहिए आपको, आप महाराज जो कुछ चाहिए सो देने को तैयार हैं। तुम जो मांगो सो दे, नाथ में खाना अभी खिलाऊं रे, और हो धन की दरकार थाल सोने के भर के लाऊं रे। यद मेरे घर नहीं होगा महात्मा जी तो मैं बाहर से मोल मंगा दूंगो, लेकिन आप मांग लीजिए आप क्या चाहते। महात्मा जी कहने लगे, राजन दही के धोके चूना मत चाट लेना, मैं वो महात्मा नहीं जो दरबज्जे दरबज्जे पर भीख मांगूं। सती न पीसे चाकिया जो पीछे तो राण, और संतन मांगे भीख को जो मांगे तो भाड़। सती कभी चाकी नहीं दूसरे की पीसने जाती है, ध्यान रहे, राण जाती है जिसका सुहाग लुट जाता है। महात्मा कभी भिक्षा नहीं मांगता, भीख तो मांगने वाले जो हुआ करते हैं वो भाड़ हुआ करते हैं। मैं दान लेने आया हूँ ये याद रखो, मांगो ना, आप मांगो, हम कसम से वही देंगे। एकदम से महात्मा जी कहने लगे, एक बात का ध्यान और रखना। किस बात का, मेरी जो आशा दे तोड़ प्राण दे छोड़ न विलम लगाऊं। अगर हमने मांगा और तुमने मना कर दिया तो हम आपके दरवाजे पर अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मेरी जो आशा दे तोड़ प्राण दे छोड़ न विलम लगाऊं। नहीं भर तेरा बाचा दीजे रे काहूं सोई राजा पाऊं। तेरा बाचा भर दीजिए मेरे दिल, फिर हम मांगने के लिए तैयार हैं। हम करे नहीं तुम्हें ना दिलिए बिन दाना न खाना खाऊं। छोटो सो एक सवाल कहो बदलाऊं, एक तुच्छ सो एक सवाल कहो बदलाऊं। सुना, हम मर जाएंगे अगर तुमने हमें दान न दिया। मेरे नौजवान साथियों, जो राजा हमने सुना है कि महात्मा जी मर जाएंगे, एकदम से उनका कलेजा कांप गया। नहीं बाबा नहीं। अरे सुन भूप संत कोई मरना, अरे सुन भूप संत कोई मरना, और जन झपट के गए दो चरना। बाबा मरना नहीं मेरे दरवाजे पर। तुम जो मांगो सोई दे दी है भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे दी है भोले बाबा जी। बाबा जी भोले, बाबा जी भोले, बाबा जी तुम जो मांगो सोई दे दी है भोले बाबा जी।
सुवरन की आधार करे तेरी राजी भोले बाबा जी तुम जो मांगो सोई देती है भोले बाबा जी मांग लीजिए। महाराज कहने लगे पहले तिरवाचा भर जाओ उसके बाद में हम दान मांगेंगे। नौजवान साथियों जब तिरवाचा का नाम लिया है तो महाराज अम्म कहने लगे सुनिए महात्मा जी भानुए उदयागर में कदरीबन काठ फरे कबहुना और जीवन में एक स्वान चले तो चले घुंसाए चुपे कबहुना ऐसी बात गमारन की मोह से कह के करें कबहुना अंदन में कंड पकू पके लटके चटके कबहुना और सूरज तीरण पे चढ़ के और प्राण की आस करे कबहुना ऐसी बात असीलन की मोह से कह के बदले कबहुना। मांग लीजिए। मैं गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ कि महात्मा जी अगर तुम मेरे प्राण भी मांगोगे तो हमें प्राण भी देने को तैयार। अब तो तुम तिरवाचा भर गए हो हाँ तो लो हम मांग रहे। क्या मांगा उस महात्मा ने भोले भाले राजा ने नहीं जान पाया कि मेरी दुनिया अंधकार में जा रही। क्या मांगा? जब दयो भूप विश्वास संत कही बानी से नहीं करो द्वार पे खाई के मरूंगो पठार मुख से नहीं करो यारो सुन साधु के बेन पेट में पानी है गोरे अब तो सुन बाबा के बेन बके पेट में पानी धानी मुझे दे दो। इतने वचन जो सुने मेरे नौजवान साथियों आज उस भारत के सम्राट ने अपना मुकुट उतार के महात्मा के सर पर रख दिया और कहने लगा लीजिए महाराज आपका पूरा राज्य है हम आपकी प्रजा हैं। लेकिन नौजवान साथियों राजा के दिमाग में झटका लगा ये महात्मा भजन के करने वाले हैं भलाए राज्य को चलाना क्या जाने। महात्मा जी हाँ अब आप हमारे राजा हैं हाँ हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहिए क्या कहना चाहते हो। तो लोगों आज आंखों में आंसू भर के महाराज उस महात्मा जी से क्या कहने लगे जब सारी दौलत पूरा राज्य ही महात्मा को दान में दे दिया। आज आंखों में आंसू भर के पूरा राज्य महात्मा को दे चुका है महाराज तो राजा हाथ जोड़ के कहने लगा महात्मा जी दो शब्द हैं अगर आपको बुरा न लगे कहिए कहिए आप क्या कहना चाहते हो। तो क्या जवाब दिया है राजा ने सुनो महात्मा जी हमने गादी दई आपकी भाई सभी राजधानी अब चाहे सो तुम करियो रे के बाबा अब आप चाहे कुछ करना
लेकिन मेरा एक ख्याल है, शायद आपको बुरा ना लगे। क्या? मेरी प्रजा को संतापन देना या भूखा मैं वाणी कहूं मैं वाणी, मत धरियो शीश पे पाप धर्म की हानि, मत धरियो शीश पे पाप धर्म की हानि। मेरी प्रजा को दुख मती देना, मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है, और अगर मेरी प्रजा में घूसखोरी डकैती चोरी और ये लफंगियाई हुई महाराज तो मेरा राज्य ही देना भी अर्थ है। इतने वचन जो सुने तो एकदम से महात्मा आग बबूला होगा। खामोश हरामजादे, तू हमें राजनीति सिखा रहा है नीचे खड़ा खड़ा, और क्या बोले महात्मा जी? ए अरे साधु ने वचन उचारो, कहा तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा जी कहने लगे, शायद तू मुझे जानता नहीं मैं कितना खूंखार महात्मा हूं। अरे साधु ने वचन उचारो, और जब प्रजा पे दखल हमारो, हम तो दी है दुख करारो, और तू कौन है कहवे बारो। खुले शब्दों में कह दिया, प्रजा पर हमारा दखल है, तू कोई कहने वाला नहीं। तुम कितने प्राणी हो घर में? महाराज मैं हूं, और एक हमारी प्राण प्यारी आमली है, और दो हमारे बच्चे हैं सरवर और नीर। सरवर की उम्र 7 वर्ष की है और नीर 5 वर्ष का है। इसका मतलब तुम 4 प्राणी हो। हाँ तो लो, महात्मा कहने लगे मैं राजा हो चुका हूं, तुम चारों को एक आदेश दे रहा हूं, मेरे आदेश का पालन करो। देखिए क्या बोला महात्मा, जो अब जैसा करे अंगारी ते सही पावेगा, और वो बे पेड़ बमूर राम के फल का खावेगा। बबूल बो करके आम के फल नहीं मिलते हैं बेटे। अरे कहूं खोलम खोला बानी, जइयो राज को छोड़ डगर जइयो चारो प्राणी। तू और तेरी औरत, तेरे दोनों बच्चे हमारे राज को छोड़ करके बाहर निकल जाए। महाराज दहल मेरी नाय माने पर जा, इन बातिन में हो राज के काजन में हर जा। नींद की रीत बताई है और समझ तू तत्काल भूपन नार नमाई है। फिर महलन में आए गो है आवत पलम निहार हर नार ने पदम नवाई गो है। फिर आंगन में आए गो है आवत पलम निहार नार ने पदम नवाई गो है। फिर आंगन में आए गो है रे हाय, फिर आंगन में आए गो है आवत बल मन हार दुल्हन ने पलंग नवाए दो। नौजवान साथियों, हुक्म दे दिया कि तुम और तेरी औरत, तेरे दोनों बच्चे हमारी राज्य को छोड़ के बाहर निकल जाएं। राजा आम ने सर झुका दिया, महात्मा जी हम जाने को तैयार हैं।
और जिस समय महलों में पहुंचा है, आज महाराज अम्ब की अर्धांगिनी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में अपने पिया का स्वागत किया और जब पलंग पर बिठा लिया, हाय साजन के चेहरा को देख करके कलेजा कांप गया। आज कारण क्या है, इनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये जब जब आंगन में आती थी तो मुस्कराती थी, आज इनकी मुस्कराहट कहाँ है? और लोगों हाथ जोड़ के वो रानी कहने लगी, पिया ऐसी क्या मुसीबत है जो तुम रोते से नजर आ रहे हो? आज अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ के राजा अम्ब कहने लगा, ठाकुरानी अब तो लुट गए हम। कैसे, क्या हुआ? क्या कोई भूखा चला गया? क्या कोई याचक बिना सेवा के चला गया? कहने लगा राजा अम्ब रानी, अब होनहार की बात रे काहूं का मेरी प्यारी। होनी को कहां ले जाए? बारी वक्त टाइम एंड टाइड वेट को नन्ही आल बिजवा, समय कभी का इंतजार नहीं करता किसी का, ये व्यापारिक हवाओं की तरह चलता रहता। क्या हुआ? होनहार की बात कहूं का प्यारी, आइयो हो मेरे दरबार में एक तपधारी। एक महात्मा मेरे दरबार में आ गया, उसने क्या किया? मेरी नारी लई मोबे तेरा बाचा भरवाई, ओ तेरा बाचा भरवाई हमारे लीनो राज खिनाई। अब तो रोए रोए बालक कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है, अब तो रोए रोए सैया कहे के दुल्हन दुनिया लुट गई है, अब तो रोए रोए सैया कहे के प्यारी दुनिया लुट गई है। दुनिया लुट गई है ठाकुरानी, दुनिया लुट गई है, अब तो रोए रोए ठाकुर कहे के जनिया दुनिया लुट गई है, अब तो रोए रोए दूल्हा कहे के दुल्हनिया दुनिया। खुले शब्दों में कहने लगा कि महात्मा जी ने संकल्प में राजधानी को ले लिया है। रानी कान लगी, तो इसीलिए रो रहे हो? मर्दों की आंखों में आंसू ये मैं कदाप नहीं देख सकती। और आप इस बात को भी सोचिए कि अगर तुम्हें धर्म से प्यार है, आज रानी कहने लगी अगर राज्य चला गया है तो आप परेशान होके क्यों बिलबिला रहे हो? हम मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी और अपने दोनों बेटों का और आपका पालन करूंगी। राजा कहने लगा, इसका दुख नहीं, महात्मा जी ने जब राज्य ले लिया है उसके बाद में कहा कि तुम चारों प्राणी हमारे राज्य को छोड़ के निकल जाओ। हे ठाकुरानी, हमारा राज्य बहुत लंबा है, बताओ हम लोगों को पैदल कैसे चला जाएगा? यातायात का कोई साधन में लेने के योग्य नहीं रहा। तो जो रानी ने सुना कि निकल जाओ, हाय हाय अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगा करके फपक फपक के रोने लगी और सोचने लगी, नाथ मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे दुख है तो इन दोनों बच्चों का है कि ये दोनों बच्चे इस जेठ की दोपहरी में किस तरह से चलेंगे, इस धूप को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये लपट जो चलती है मेरे सलोने लालों का चमड़ा सुखा देगी। राजा कहने लगा, तुम भी मोह में पड़ गई, मोह को छोड़ दो रानी, जब तक मेरी किस्मत में राजपात्र लिखा रहा तब तक हमने भोगा, अब हमारी किस्मत में भीख लिखी है तो हम भीख मांगने को तैयार हैं। वक्त को बदलते नौजवानों देर नहीं लगती। कहां राजा के स्वर्गीय ठाट थे और एक पल में ही राजधानी को देने के बाद कंगालों से भी बेहतर हो गया। और क्या हुआ लोगों, अपनी रानी से कहने लगा, क्यों बावरी हो रही हो? अब देर मत करो, ये महल वीराने हो चुके, ये बसुधा तुम्हारी नहीं रही है, ये वसुंधरा किसी और की हो चुकी है। और क्या बोले हैं महाराज अम्ब, सुनो, व्याकुल देखी नार धीर और धार भूप कई बानी, तू करे कोन को मोह बाबरी रानी। क्या बोले? मेरे विधि ने लिखो लीलाट राज और पाठ करी राजधानी। खुश में रहो रानी, कछ विधि के विधान को समझू। मेरे विधि ने लिखो लीलाट राज और पाठ करी राजधानी, अज महल छोड़ के चले दान देख दानी।
चिंता मत करो, अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लो और इन महलों को जल्दी से त्याग दो, रानी से कहने लगा राजा अंबो। प्यारी मत बिलम लगाइयो री को दी में लाला उठाइयो दोनों बेटों को छाती से लगा लो और इन महलों का त्याग कर दो। ठीक है, मैं दोनों बेटों को लेकर के चल रही हूं नौजवान साथियों। आज वो पतिव्रता किस तरह से धर्म के पीछे अपने पिया का दामन पकड़ के घर को छोड़ करके निकली, जिसने कभी बाहर की हवा नहीं देखी थी, जो सेदों से नीचे कदम नहीं रखती थी, लेकिन वक्त के चक्कर ने आज उसे कहां पहुंचा दिया, जिसके मासूम बच्चे हैं और किस तरह से महलों का त्याग करने लगी। सुन के बचन पिया अपने के ध्यान धर्म में लाई रे, और करे धरे पे धूल मोह ममता में पड़ी दिखाई रे। ए गोद गहे पुचकार लला धोतन कन देर लगाई रे, मेरे सैया तन चलो भवन को जाओ बे भूमि पर आई रे। आज दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया, कहने लगी पिया चलो जहां बिरानी भूमो वहां चलो। राजा कहन लगो एक बात और बताओ, जे लहंगा जे चुंदरिया तो रानी की है और तुम बेकार न हो चुकी हो, जे कपड़े और त्याग दो, वो कपड़े पहनो जो देख चलते समय देखने वाले कहें कि भिखारी जा रहे हैं, अभी तो हम तुमको सभी प्रजा के लोग पहचान लेंगे, इन कपड़ों का त्याग करो। देखिए लोगों किस तरह से वो भारत का सम्राट चला है धर्म के पीछे। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़े फटे तन धार की, दमरी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के। एक नया पैसा अपनी गांठ में नहीं बांधा लोगों। पोशाक क्या थी सुनो, रानी को सब सिंगार छोटो
केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटन पे एक लंगोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटन पे एक लंगोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटन पर एक लंगोटी है। दशा है लोगों, सूजन बढ़ आई उन चारों की तो दशा देख आधार की छाती थर्राई। पड़िया फपोला पाइन में घुटनों तक सूजन बढ़ आई उन चारों की तो दशा देख आधार की छाती थर्राई। जे चले दिना और रात न पानी पियो, जहाँ तक राजा को राजवास न कियो। महाराज नीर बिन कंठ गए सब सूख, और पायन उछाले परे सूज की दे उठी है दुख। लोगों आज दो दिनों दो रातें राजा अम्मू को नीर को हो गई, भोजन की कौन कहे। महाराज ने पानी तक अपनी जीप पर नहीं रखा है, अंदाजा लगाना ग्रीष्म ऋतु है। जहाँ लपट के कारण पूरा शरीर काला पड़ चुका है, लेकिन पानी नहीं पी रहा है। बंधुओं चलते चलते क्या हुआ कि बड़ा लड़का जो है सरवर एकदम से जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। जो जमीन पर गिरा है लोगों, रानी ने अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया और बिलक बिलक के रोने लगी, आज मैं क्या कर रही हूँ। जिनको 9 महीना मैंने अपने पेट में रखा, उन्हें मैं पानी तक नहीं पिला सकती। राजा ने जो निगाह किया, एक खेत दूर निकल गया था राजा, एकदम से लौट कर आया, कहने लगा भद्रे क्या कारण है। तो एकदम आंखों में आंसू भर के महारानी क्या बोली है, देख सुतन की गति नार कह पति कुमार दो बारे, जे भूखे तजत शरीर रे प्यास के सैया मारे। इनकी हालत देखो महाराज, क्या हुआ इनका हाल। ए जाती इनको धूप बिगड़ गए रूप, पर तनकार पर तनकार कुंड में पाप गजब भय भारे, गौ दौर कुंड में पाप गजब भय भारे।
क्या दशा है देख रहे हो महाराज। क्या वे बच्चे इतने दुख को सहने लायक थे और कहा बोली अपने पिया, अरे निक छाया में उसे ताले। थोड़ी दया करो मेरे पिया, थोड़ी दया करो। सजना छाया में से ताले और पानी पी के प्यास तू बुझाइले। और निका खाई दे की सामा लाइले और मरने ते मेरे बेतन को बजाइले। क्या हाल है, नेक तो दया करो मेरे पिया, नेक तो दया करो। राजा कहने लगा, ओ रानी तू बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रते दानी। अरे जो खाए जा राज में उ खाना, मेरे सिर पापुरी चढ़े मन माना। चाहे तो तू मर जा, चाहे मेरे दोनों बेटे मर जाए, मैं पानी नहीं पी सकता जब तक राज्य से बाहर नहीं निकल जाऊंगा। धन्य हो उस पतिव्रता को, धन्य हो उस भारत की नारी को, आज वो भारत की विदुषी वीरांगना अपने पिया के दामन को पकड़ के आगे को बढ़ देती है। लोगों हाय हाय, अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे आगे को बढ़ गयो है भूपाल, यार मेरे धीरे धीरे। हाँ देखिए राजा अंब जब आगे बढ़ गया लोगों, तो दो दिन और दो रात की मंजिल फिर की है। आज चार दिन और चार रातें हो गई। जब चौथी शाम को ये जाकर के एक शहर में पहुंचा है। कहां पहुंचा? एक शहर में। तो क्या देखा उसने वहां? गौ एक शहर में पहुंच रे के कष्ट उसे ले भारी। सराय देखे मिल गई है भटियारी, वहां एक सराय में राजा अम्बु को एक भटियारी मिल गई। महाराज महाराज भूपने जोरे दो हाथ, देव कुमारी नांदेल मैया का तो जाए राती। ओ भटियारी अम्मा, मेरे पास एक नया पैसा देव को नहीं है, मैं रात को कहा तो चाहता हूँ। भूपने जोरे दो हाथ और देव खुद मरी ना मेरी मैया का तो चाहे राती। ओरी अम्मारी ओरी मैयारी, हम परदेसी तो से आए गए हैं मेरो जिया राधे धाके धाके। भटियारी के हाथ जोड़ के राजा मकान लगो, मैया मेरे पास एक नया पैसा देवे को ना है और मैं रात काटो चाहती। भटियारी कहने लगी, तेरे बाप की सराय है, तू शायद इस बात को नहीं जानता। भटियारी ने कही, मुसाफिर सही बात बतलाऊं तो रोटी पका खिलाए में खाट बिछाऊं, करूं खुशामत बड़ी हुकुम में खड़ी सही ठहराऊं, लेकिन इतनों करके काम टका एक पाऊं। एक टका अगर तेरे पास हो तो यहां रुक जा, और अगर टका नहीं है तो बढ़ जाएंगे को तेरे जैसे 420 रोज यहां आते नौजवानों। एकदम से राजा अम्ब ने झपट के भटियारी के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया राजा भारी हिल की गाओ लो
राजा भरे लगी गौरो बन जाज मेरी धर्म की है मैया मा बन जाज मेरी धर्म की है मैया हमें पूछ मा खाना खावे न लिए तेरी खाट रात की रात मैया करिए बसेरो मा परदेसी अम्मा देश रम जाए हैं राजा रोबा रात मुझे रुक जाने दो और सुबह यदि मेरी कहीं नौकरी लग गई माँ तो हम एक टका तुम्हें जरूर दे नौकरी भी करना चाहता है हाँ तब तक भटियारी की निगाह महारानी आमली पर पड़ी है जिसके यौवन को देख करके भटियारी सोचने लगी बाबू भाई इस मुसाफिर के साथ में इतनी खूबसूरत लड़की हाँ हाँ तुम रोने लगे रो नहीं हम तुम्हें अपने यहाँ जरूर जगह दूंगी और क्या बोली है भटियारी नहीं मन हंस गई नारी भतियारी जय नौकर ले बनाई सुघर संग नारी हाय हाय कितनी सुंदर लड़की है इसे मैं जरूर नौकर बना लूंगी और राजा से कहने लगी है बात सुनो क्या कही जने राजा से समझाई करो चाहे रोजगार कोई में धंधे से दी है लगाई करो चाहे रोजगार पतिया थोड़ी दिन की पातरिया रे काट से कट गए है पतिया काटे से कट जाए आधार जी काटे से कट जाए जम सीबत थोड़े दिन की पातरिया यले काटे से कट जाए जम सीबत थोड़े दिन की तुम हमारे यहाँ नौकर हो जाओ माँ तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं तुम्हारे नौकरी करने लगूं भटियारी कहने लगी सुनो हम तुम्हें नौकर बना रही हूं और तुम्हें काम भी बता दूं काम के साथ साथ दाम भी बता दूं देख लीजिए सुनो तुम्हारी औरत जो है ना हमारे यहां जो मुसाफिर आएगी उनके लिए भोजन बनाएगी तुम्हारे दोनों लड़के सराय के दरवाजे पर खड़े रहेंगे जो मुसाफिर आए उनको अच्छी तरह बिठा ले तुम्हारे लिए क्या काम है और दाम भी बता दूं दो गठरी सूखे पात बीन निज हाथ बनी से लाना फिर झोंको मेरे तंदूर रे तब मिले तो I'm a road to
चांद सैर देखाऊ पेट भर खाना, चांद सैर देखाऊ पेट भर खाना। याद रहे दो गठरियां पत्ता बनी से लाना होगा, उसके बाद मेरा तंदूर झोंकना पड़ेगा, तब तुम्हें दो आने पैसे मिलेंगे। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी नौजवान, दो आने पैसे में चार तो नहीं तीन आदमी अच्छी तरह भोजन कर सकते थे। और क्या बोली ये भटियारी, अरे कछु ना मेहनत में घाटो, एकदम से राजा अंब ने झपट के भटियारी के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया बहुत अच्छा है, हम तैयार हैं, लेकिन दोनों बच्चे सर्वनीर जिनको चार दिन हो गए थे नौजवानों, पेट में भोजन की कौन कह पानी की बूंद भी नहीं पहुंची थी, उन बच्चों की तरफ देख करके राजा अंब भटियारी के पैर पकड़ के रो करके बोला, भटियारी मैया अब तो तेरे हम नौकरी के तैयार हैं, लेकिन एक की कृपा कर ले मेरे ऊपर। क्या सुन भटियारी की बानी को राजा ने खुशी मनाई है, जो कहे करूंगो काम तेरो बिगड़ी में भाई सहारी है। हम कई रोज के भूखे हैं, कहने लगा राजा अंबो, हम कई रोज के भूखे हैं, वेतन पर पड़ी तबाही है, रोते हैं व्याकुल होते हैं, लग के दुल्हन घबराई है। कोई सस्ती चीज मंगा दीजिए, खाना दे खिला पिलाई है, करें सुबह से काम करो भुगताए दे पाई पाई है। ये ध्यान रहे, हम सुबह से शाम तक तेरा काम करेंगे, पाई पाई भुगता देंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज मंगा दे जो हमारे बारी छोनन को तसल्ली बन जाए। ये सुन चुकी बयान दया कछुलाई, और भटियारी तत्काल शहर को धाई, महाराज चना गुड़ दो पैसा के लाए, और दए भूप के हाथ न्यारे कोठा दिए बताए। भटियारी ने चना और गुड़ दो पैसे का लेकर के राजा अंब के हाथों में गा दिया। राजा अंब ने बांट करके भोजन किया है।
और सो गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, जो सवेरा हुआ है, आज राजा अम्ब अपने काम से लग गया भटियारी के यहाँ। कहाँ राज्य करने वाला आज मजदूरी कर रहा है। प्रात होत जब जगो, काम से लगो न दिल दहलायो, दुई गठरी सूके पात बनी से लायो। ए फिर झोंको तंदूर, दिवस भर पूरन दिल दहलायो, जय डेड़ा ना जब मिलो। भटियारी ने दो पैसा चना गुड़ के काट लिए। जय डेड़ा ना जब मिलो, चून ले आयो, जय डेड़ा ना जब मिलो। ध्यान रखना,
दिन बड़े सुख में कटने लगे राजा अम्ब के। लेकिन लोगों एक मुसीबत और टूट पड़ी है कि रानी जिस समय शाम को रोटी किया करती थी तो एक रोटी जो है अपने पिया को अपना पेट काट के रख देती थी कि सवेरे ही सवेरे पत्ता बीनने को निकल जाएंगे, और वो रोटी अपने पिया को बांध देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ वो महाराणा प्रताप जैसा हाल कि वह रोटी को बिलाव ले गया। जब रोटी को बिलाव ले गया और राजा भूखे ही पत्ता बीनने को चले गए, जब दिन के 12 बज गए महाराज नहीं आए तो रानी आमली सराय का काम करके आटा पर खड़ी हो गई और मेरे बंधुओं अपने पिया की याद हिलकियां भर भर के रोने लगी। आज तो भूखे ही चले गए हैं। कैसे रो रही है? खूब रोई सुदी आई आई, सुद आई आई पिया की खूब रोई, सुद आई आई खूब रोई, सुद आई आई सुद आई आई ती कंठ की खूब रोई, सुद आई आई कह रही। आज पिया मेरे मुंह के चले गए, क्या किस्मत है। आज पिया मेरे मुंह के चले गए, रोटी ले गई है बिलैया निरमोई, सुद आई आई सुद आई आई है पिया की खूब रोई, सुद आई आई। तो ये घटना घट गई, लोगों देखो मुसीबत में मुसीबत। पत्ता बीनन को गौ तो जब राजा, निज रानी को के छोड़ के सराय, उसी समय खाना बनवाने सौदागिर एक पहुंच गौ आए। तब तक सौदागिर आ गया, बोलो आए के भटिया रीते जल्दी खाना दिए बनायो, जा डरो ये मेरे दरिया पे ज्यादा देर रुकन को ना, मेरो जा दरिया पे डरो। तब भटियारी बोलन के लागी, कानन मंदौ है मंद बतराय, ले तो आप कह चार पाई पे तुमको होका हम दिए भरवाए। चार पाई पे लेट जाइए, मैं 5 मिनट में रोटी करके तुम्हें दे दूंगी, तब तक आप हुक्का पीजिए। लेकिन बंधुओ नजर बदली आई तीरे कुत्ता की और बाद दुल्हन पे निगाह पड़ जाए। तब तक सौदागर की निगाह रानी आमली पर पड़ी है। जो बन मेरे भरपूर तो हूर सम, चित बन गई है के कले जो खाए। अरे भटियारी ते के लफंगा बोलो, मोजा गोरी ते दीजे मिलाए। ओ भटियारी, तेरे आंगन में इतनी सुंदरी गोरी कहां से आ गई? तेरे दिल में आए उतनी कीमत ले ले, मगर जहूर की परी से मुझे मिला दे, और क्या बोला कुत्ता। मन चाही सोई कीमत तू ले ले, मोजा गोरी ते दीजे मिलाए। तब भटियारी बोलन लागी, कानन मंदर मंद बतराए। तुम्हारे मन में बस गई है? तुम्हारे मन में बस गई? हाँ,
तो सुनो, जाको मालिक कर तू है मजूरी, बद फैलन में मोदी सत्य नाश, लाख रुपया मोकू तो दे दे, हम जा गोरी को लिए फुसला। गोरी को लिए बहका, खाना छोड़ हियन पे जइयो, दरिया पे डूंगी पहुंचे। बाई कोई ढूंढत है राठौर, बाई कोई ढूंढत है राठौर, गोरी गोरी उम्र की थोरी, गोरी गोरी उम्र की थोरी, गोरी गोरी उम्र की थोरी, उम्र की थोरी, गोरी 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 हाय उम्र की थोरी। और कर लो भारी गौर तुम्हें कोई ढूंढत है राठौर, ढूंढत है राठौर तुम्हें कोई। खंडा पे दुल्हनिया ठाड़ी, सतखंडा पे दुल्हनिया ठाड़ी, सतखंडा पे दुल्हनिया ठाड़ी, सतखंडा पे दुल्हनिया, सतखंडा पे दुल्हनिया। अरे नीच मचाए रहो सोर बाई कोई ढूंढते राठौर, बाई कोई ढूंढते राठौर, बाई कोई। अगर इस लड़की पर तू दीवाना है तो 1,00,000 रुपया हमें दे जाओ, खाना को यहीं छोड़ जा, हम भोजन देकर इस लड़की को जहाज के पास भेजूंगी और तू जहाज में रख करके ले जाना। नौजवानों, आज मैया को पता नहीं लगा कि उस कमीनी ने उसका सौदा कर लिया है, वो पतिव्रता अपनी पिया की याद में सिसक रही है। तो क्या किया है उस कमीन सौदागर ने, उस पतिव्रता की कीमत क्या दी है? सुन सौदागर को लाल रे बाड़ोई हारे सायो, गर्दन से हार उतार दे, गर्दन से हार उतार दे, तुरते पकड़ायो। अनमोल देख के ठगनी गई लुभियाए, 1,00,000 का हार दे दिया, एक मरमुदरी उतार के दे दी जिसमें नगीना जड़ा था, उसकी कीमत 25,000 थी। यारो ऊपर मैया खड़ी के नीचे कीमत हुई गई है, यारो ऊपर दुखिया खड़ी के नीचे कीमत हुई गई है, भैया ऊपर दानी खड़ी के नीचे कीमत हुई गई। ध्यान रखना लोगों, इतनी कह के सौदागर चला गया और भटियारी ने रोटी दाल बनाने के बाद में रानी के पास ये नालायक औरत पहुंची और कहा, कान लगी गुइया, तो इतने दिन आए हो गए लेकिन तू मेरे जोरे ना बैठे थे, कहा कारण है? कान लगी बहना कहा करूं, आपकी ड्यूटी बजाने के बाद बच्चों में लग जाती हूं। तो भटियारी कहा बोली, सखी हाँ, अरे चल बहना सैर कराई दूं, अरे चल बहना सैर कराई दूं, और जो
चीज कहे सोई लाई दू। तोय में दरिया की सैर दिखाई दू और तोर रंजो अलम में डाल दू। रंग भरी रस भरी रंग भरी रंग भरी रस भरी रंग भरी गोरी बेर तूने क्यों करी। हाँ रंग भरी रस भरी रंग भरी आज मेरे साथ चलो हम तुम्हें नदी पर घुमा लें। रानी आमली कहने लगी बहना में जरूर चलती लेकिन मेरे पिया वे पत्ता बीन के ना आए। मेरे दोनों बेटा मेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। एकदम से कहने लगी भटियारी खामोश और सब बांध दुनिया में तू ही एक बच्चों वाली है। अरे दोनों बच्चों को पकड़ के कमरे में बंद कर दे एक घंटे में मर नहीं जाएंगे। नौजवानों फटी फटी आंखों से भटियारी का चेहरा देखने लगी और भटियारी ने सर्वनीर दोनों बच्चों को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया जो किवाड़ लगाए हैं। दोनों बच्चे खोपड़ी पटकने लगे और कहने लगे माँ माँ तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। माँ मुझे अपने साथ ले चलो और किस तरह रोने लगे। मैया ओ मैया तू कहाँ चली मैया। पत्ता बीन मेरे बबुल नहीं आए ओ माँ। पत्ता बीन मेरे बबुल नहीं आए अब कोई नहीं धीर को धरैया। मैया मेरी अम्मा ओरी तू कहाँ चली मैया। बताए दे तेरे बिलख रहे गोद के खिलैया। मैया ओरी अम्मा मेरी तू कहाँ चली मैया। बच्चे सिसक रहे। भटियारी कहने लगी चल चल सौदागर को लाल खाना बनवाएवे को कह गयो है। बाय खाना दे करके तू जानती है हम शहर से तेरे लिए क्या क्या लाऊंगी। भटियारी की मुंह की तरफ देखने लगी रानी आमली तो वो नालायक औरत क्या कहने लगी सुन जब सौदागर का लाल हमें पैसा देगा तो लौट करके जब आऊंगी तो बाजार होके आऊंगी। मैं वापिस तत्काल मजूरी अपनी पाऊंगी। तेरे तन पे कपड़ा फटे नए तो मोल मंगाऊंगी। हाय हाय मेरे दादा लोभ में आई गई रानी। नायक तू समझी चाल शीश पे होनी मडरानी। संग
भटियारी के ढाई पलकी ना करी अबे रजाज के जोरे जाई। कह भटियारी रानी दे और तुम खाना दे यो हमें डर लग रहो पानी दे। कह भटियारी रानी दे सौदागिर बतरानो रे तुरंत सौदागिर बतरानो और जहाज के ऊपर भटियारी। हाँ जहाज के ऊपर भटियारी मेरे भिजवाई देखानो तुरंत बता दे बतरानो। पहुंच गई भटियारी। कान लगी ओरी बहना हमें पानी से डर लगे रहो तू जाके भोजन दिया। आज वह भोली भाली ने ना जानी कि मेरी दुनिया अंधकार में पहुंच रही है। मेरे दोनों कलेजे के टुकड़े छूट रहे हो पियऊ छूट रहे हैं तो बंधु हाथ में भोजन ले लियो और वह मैया जो है आज चली है उन सीढ़ियों पर जहाज में। सुन भटियारी के बैनर बना सा कुचानी धरसिड़ियन पे पाऊ रे धरसिड़ियन पे पाऊ रे के चढ़ी गई भैया रानी। क्या हुआ लोगों? महाराज हतो आज सौदा गिर पर बीन जन लंगर बीनो खोल जहाज की चालू करी मशीन। जो मैया अंदर पहुंची है और ले गो ले गो दुश्मन ले गो अज दुखिया को चलो लिवान। और जहाज चलत मैया ने देखो धरती गिरी तमारो खाए। जन बूढ़ मारी दो तोर धरती ते चुड़िया थार थार हो जाए। अब को दुख बरने बासम ये को मेरी जीव लपेटा खाए। ओ कौआ लोरो हर बाघर में मानो सिया हरन हो जाए। और जब मैया को होश आयो है तब तक सौदागर 32 मील निकल चुका था। 16 कोस जब ये निकल गया जहाज को खड़ा कर दिया। इधर मैया घुटनों में सर को छुपा करके बिलख बिलख के रोने लगी मैं कहां आ गई। दोखे में लो फांसी पापिनी मो पे फंदा डाला और कौन से मैया कहे हमारे बारे दो लाला। कुनते मैया कहे हमारे बारे दो लाला। रोने लगी रानी अमली। पत्ता बीन के जब सैया हाय बाय आंगन में आए। पत्ता बीन के जब राजा हाय बाय आंगन में आए और हमें न देखे जब आंगन में गैया से डकराई। गैया से डक रहे हैं पीतम गैया से डक रहे हैं। हमें न देखे बायांगन में गैया से डक रहे हैं। इस तरह से बैठी बैठी रो रही है और तब तक वो इज्जत का भूखा भेड़िया सौदागर पतिव्रता के सामने पहुंचा। भैया सौदागर कहने लगा भैया कह रही हो सौदागर हरसाई
नार ढगर जाए गिराऊ चारी, क्यों बैठी हो बेहोश रे सूरत का तुमने डारी। इतनी सुस्त क्यों बैठी हो, और क्या बोला वो कुत्ता है? हिल मिल के कर प्यार बना भरता रे, प्रेम कर भारी प्रेम कर भारी, हम तो को लाए खरीद रे के बन जा मेरी प्यारी, हम तो को लाए खरीद रे के बन जा मेरी प्यारी। हम तुम्हें खरीद के लाए हैं। एकदम से मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहने लगी, ओरे कमीना, क्या तू मुझे ऐसे वैसे परिवार की औरत समझता है? लेकिन समझ में आ गया, सुन दुश्मन के बेन भरे जलने न बड़ी बिलखाई, भटियारी मेरे संग करी घटियाई। नार डकराई मिठ बोली बन मकार करी चतुराई, अरे दिल में नए धीर धरूंगी और मैं पानी में डूब के मरूंगी, अरे मैं आत्म घात करूंगी और मैं खाई के जहर मरूंगी। मैं मर जाऊंगी और एक कमीन, लेकिन तेरी तरफ निगाह करके देख नहीं सकती। सौदा गिरेओ कहे प्राण क्यों खोती, अरे तेरी लोग हसाई करें वृथा में रोती, महाराज के मुंह से घूंघट दीजिए चार और लीजिए कंठ लगाए के हंस के बातें करो दो चार। कमीना कहने लगा, एक बार हमें मुस्करा के देखो। और क्या बोला, ए छुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, छुपके से दिल दे दे नहीं ते। चुपके से दिल दे दे नहीं दे शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। रानी बोली, ए में हो गई बदनाम तू ना सोच, तू बन जाएगा, शोर मच जाएगा। लई 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 ला, ओ लई 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 ला, लई लई ला लई लई ला लई लई ला, चला जा चला जा चला जा, जहां प्यार जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चैनाख तरे से बोले मुझे प्यार नहीं करना, मर जाऊंगी चुप रह कर इकरार नहीं करना। देख मान ले कहना, देख मान ले कहना, होशियारी में रहना नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम सुना सोच बच जाएगा, शोर मच जाएगा। लई 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 ला, लई 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 ला, लई लई ला लई लई ला लई लई ला, चला जा चला जा चला जा, जहाँ प्यार धोखे में कमीना लाओ, अब ठाड़ो सतराता है, जा पतिव्रता के धर्म पर ओ कुत्ता ललचाता है। देख मान ले कहना, होशियारी में रहना नहीं दे शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम तू ना
नाम तू ना सुर तू बच जाएगा सुर मच जाएगा ले 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 ला ओ ले 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 ला ओ ले ले ला ले ले ला ले ले ला चला जा चला जा चला जा कमीना सूरक सर कृपी को धन अपजीवत के न होने दीनो मृग के सिंह भुजंग की मड पतिव्रता को अंग कहो कि ने चीनो और जिंदा पे जे दिए नाई मरे बाद चे काऊ ने लीनो पतिव्रता के शरीर को तू ऐसे नहीं भोग पाएगा कमीना जो तू हमें लालच में फंसाना चाहता है। और कहा बोली मैया मोई मई छोड़िया मेरे दोनों लाला तड़प रहे होंगे मैं बहुत विपद की मारी हूँ भैया। सौदागर कहने लगा भैया कह रही है अरे ओ नादान औरत एक बार मुस्करा के हमें अपना प्रीतम स्वीकार कर लो। क्या बोली है माँ सुन दुश्मन के बेन सुरक भय ने न कही जन बानी मत बोले ऐसे बोल रे के कुटिल वाले बहकानी होश में हो जा ए अपनी जीव समारु कहा तूने नार निबल की जानी तेरे मुंह में कीड़ा परे रे बुरी बोले बानी अरे बुरी कह बानी बुरी कह बानी बुरी बोल बानी बुरी कह बानी तेरे मुंह में कीड़ा परे रे के बुरी जो बोले बानी आ कमीना तेरे मुंह में कीड़ा पर जाएंगे। और एक बात और बता दूं अरे हम पतिव्रता कहलावे और मर जाना है धर्म डिगावे से हाथ लगावे ते असराप भसम हुई जावे कोजू रो तू है साधु सवेरे कोजू रो तू है भुरारी रात अरे कोजू रो तू है बखत पवे पे कोजू रो तू है तीज त्योहार साज सवेरे दुखिया सिसक तू भुरारी रात अरे बखत परे पे भैया रे रोवे बहना रोती है तीज त्योहार अगर तूने मेरे शरीर से हाथ लगाया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी जो तू मर जाएगा भस्म हो जाएगा। सौदागर कहने लगा श्राप वारी औरत अगर तू श्राप देती हो ऐसी पतिव्रता होती तो भटियारी की नौकरी करती। एकदम से वो कमीना मैया को हाथ पकड़वे को झपटो लेकिन लोगों पतिव्रता ने काली का रूप बना लिया लपलपाती हुई जीभ बड़ी बड़ी आंखें बड़े बड़े दांत इनको देख करके सौदागर का कलेजा कप गया। काली सम रूप करा लौरे जब मैया को बन जानो और थर थर कप गाओ अंगौरे कुटिलु तब दहलानो ही जाने रानी सो बात तू बेटी हम बाप करे मन बहना अब अपघात। कहने लगा बस माफ कर दो मुझे अब तो बारह बरस अकेला तू मेरी बहना बन जाइए अब तो बारह बरस
हर सकलिए के तू मेरी बहना बन जाइए। अब तो बारा भर सकलिए के हाय मेरी बहना बन जाइए। बारह साल के लिए मेरा तेरा बहन भाई का रिश्ता है। द्वादश साल व्यतीत करें फिर प्रीत करूं मैं तो सो भोग विलास। तुर ना भूले एहसान हमारी पूर्ण कर दे आस। नौजवानों इस तरह से पतिव्रता ने अपने सतित्व को बचा लिया है। वारे भगवान मेरे नौजवान साथियों इस तरह से मैया ने 12 साल का वादा करवा लिया है। और इधर महारानी आमली के लिए सौदागर ने उसी जहाज में दूसरा कमरा दे दिया है। कौन बचन है गए जहाज में दए महल जाए न्यारे। उत भटियारी ते कहात कुमर दोबारे। कमरा में से भटियारी ने शरबत नीर को निकाला तो दोनों बच्चे भटियारी से कहने लगे मैया का बोले का छोड़ी मेरी मात मरे हम जात भूख के मारे। बिन मैया के रहे दीक दिवस में तारे। हे भटियारी मैया तुम मेरी मैया को कहाँ छोड़ आई हो। बिना मैया के मुझ दिन में तारे सूज रहे हैं। इतने वचन जो सुने तो भटियारी कहा बोली अरे सुन भटियारी सतरानी अरे सुन भटियारी सतरानी हर तेरी अम्मा को चढ़ी थी जवानी। हमने नए ऐसी जानी बात हुई है क्यों खेल पे दीवानी। एक कमीनो बकवास मत करो तुम्हारी माँ को जवानी थी। हमें पता नहीं है कि वो किसके पीछे चली गई। एकदम सरबर कहने लगा माँ तुम झूठ कहती हो। भटियारी ने कोड़ा उतार लिया सार सार करके दोनों बच्चों को जमीन पर गिरा दिया। दोनों बच्चे भाग करके दरवाजे पर आ गए। लोगों इधर क्या हुआ। तेरी भौंए लाल लख आखे समाचार सुन पाओ रे अव सरवर नीर कुमार दो बिलखे भारी रोदन मचाओ रे। क्या हुआ क्या हुआ ये कहाँ गई मेरी मैया। की गठरी हाँ बबुल बनी तो बकवाई। इधर सर्वनीर का बाप जो है ना सिर पे पत्तन की गठरिया धर के आया है। लोगों ए धर सिर पे पत्तन की गठरी हाँ बबुल बनी तो आयो रे। और सरवर नीर लला दो मिलखे बाबूले बचन सुनाए दौरे। एकदम से मेरे नौजवान साथियों जब राजा अम्ब पत्ता बीन के आया सरवर नीर को दरवाजे पर से सकते हुए देखा। पत्तन की गठरिया तो पटक दई शरबत नीर को कलेजे से लगा लिया। वत्सो क्या कारण है तुम काय को रो रहे हो। तो शरबत नीर दोनों बच्चे अपने बाबुल की छाती से लग करके फपक फपक के रोने लगे और कहने लगे पिताजी बादल पिताजी फटिए विधना ने विपतात दई मोको अकेलो छोड़ के भटियारी के संग मैया गई। पिताजी
अबे छोड़ के भटियारी के साथ मैया चली गई, वापस न आई लौट के, मालूम नहीं के न भकलाई, पूछी कई खोटी करी, मालूम नहीं गायब भई। मैया फिर लौट के नहीं आए, और भटियारी को जब पूछी तो उसने मुझे बहुत गालियां दी। राजा अम्म कहने लगा, घबराओ नहीं, भटियारी को मैं पूछूंगा कि तुम मेरी औरत को कहां कर आई हो। डरता हुआ राजा अम्म जो है भटियारी के पास आया है और कहने लगा, भटियारी माँ तुम मेरी औरत को कहाँ छोड़े आई, मेरे दोनों बालक बड़े ही परेशान हैं। अरे भैया भटियारी आग बबूला हो गई और क्या बोली, तेरी औरत का हमने का ठेका लिया। बोली करके रोस लगाए रहो दोस्त रह तबा पाजी, तेरी औरत असल छिनाल न तो बेराजी। छिनाल की हमसे क्या बातें कर रहा है, जो बन में सरसार बना लो यार बन छेल कोई ताजी, मस्तानी है के अरे संग वो भाजी। और क्या बोली, ठट्टा करे बड़ो तू है गाली, अरे तेरी लगू न सर है जसाली। अरे कर गई ये सराय मेरी खाली, न कोई पहुंचा दूंगी कुतवाली, मैं तेरी सरेज हूं या साली हूं, जल्दी निकल जा मेरी सराय से वरना पुलिस के इतने जूते पड़वाऊंगी कि चांद पे एक बाल नहीं रहेगा। हाय हाय, छक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कलाम, बुरी मेरी तकदीर है का रची है राम। ललकार दिया है भटियारी, आज चल दिया वहां से अपने दोनों बच्चे सर्वनीर के पास। जब राजा अम्ब आया, सर्वर पूछने लगो, पिताजी मैया कहाँ है। राजा अम्ब कहने लगा, चलो बेटा आपकी मैया आगे निकल गई, निकल गए हैं सराय में से, कहाँ राज्य छोड़ के नौकरी करी, नौकरी में भी आज स्त्री को खोए के चल गए। बेटनों गोदी में लाओ तो उठाई, धीरे धीरे डगरत जावे, बाके हुई आओ पेट में घाव, घर के मारे वन में भाग गए, बाऊ बन में सुलग आग, विपत में विपत और विपत में विपता, विपत में बेल रे दगा दे जाए, विपत में हितु और नातेदार सब। नारद भैया वहाँ पीठ दे जाए, सोई मुसीबत सतबादी पे, मेरे महाराज राधे श्याम सीता राम रे जम बल्ले नो पानी दे।
एक नदी पर पहुंचा राजा। बड़ा गहरा पानी है। सरवर से कहने लगा, बेटा सरवर, हाँ, जब नदी के उस पार जाना है। सरवर कहने लगा, पिताजी नाव है नहीं। जवाब दिया है, बेटा नील, तुम बेखटका होशियार इस तरफ खड़े रहो और तब तक हम आपके बड़े भाई सरवर को उस पार उतारे आए। और आज किस तरह राजाम्बो छोटे बेटे को इस तरफ खड़ा करके बड़े बेटे को लेकर के नदी को पार कर रहा है। मगर हुआ क्या, हारी किस्मत। क्या किया है, छोटे बेटा नीर को इस तरफ खड़ा कर दिया, नदी में घुस गया वो शतवादी। सुमिर श्री करतार उतरिया पार भूप बलदाई। हाय हाय, सरबर सुत कर दो खड़ो रे ना दे रउआ रे लगाई। बड़े लड़के को खड़ा कर दिया है लोगो, अब लौट के छोटे को लेने आया। मगर हुआ क्या, मेरे नौजवान साथियों, जिस समय सरवर को उस पार खड़ा करके नील को लेने के लिए राजा अंभाया है, एक इस तरह की लहर आई है कि आज वो शतवादी राजा है डूबने लगा, नीचे चला गया, फिर ताकत लगा के ऊपर आया और आज अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को हाथ उठा के बताने लगा, लाला डूबता मैं बचानो चारो है आए गौ आखिर हमारो है बने। मेरा अंतिम समय आ गया, अब हम बच नहीं पाएंगे। एकदम सरवर नील दोनों बच्चे नदी की तरफ भागे गिरने के लिए। पिताजी मुझे छोड़ के, एकदम से राजा अम्ब ने हाथ उठाया, बच्चो ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। आज डूबते समय में राजा अम्ब क्या बोला अपने दोनों बेटों से, रहना जल से दूर पास मत दरिया के आना। ना ना ना, रहना जल से दूर पास मत पानी के आना। मिले नगर नजदीक मांग के भी कहूं खाना। कोई पड़ोस में नगर हो बेटा, भीख मांग के पेट भर लेना। अरे बुरी किस्मत निकली खोटी, मैया तो बिछुड़न भाओ हमारी काल गही छोटी। अरे पेशन पानी में जाती मेरे पास
पल में कढ़े पिरान करो बेटा करनी शादी। सुनत दो सुत घबराए गए हैं और करो न राजा को बोल नजर न जल में आए हैं। बिकल हो के रो रहे दो भैया पिता से बिछुड़न भाओ डगरिया पहले मेरी मैया। भाई दोनों न्यारे न्यारे अब सुद ले लो आए समरिया ओ बंसी बारे। भाई दोनों न्यारे न्यारे अब सुद ले लो आए कन्हैया ओ बंसी बारे। भाई दोनों न्यारे न्यारे डूब गए राजा रोए रोए के सरबन नीर पीट रहे छाती। रोजन सो फटे पहाड़ धरा कुलाती। महाराज करें दोनों भैया कोहराम और तीन पहर गए बीत बनी में होने आगी शाम। शाम होने को आ गई है लेकिन दोनों भैया हटे ना। तो नीर रोए के बोलो भैया बुलाए ले अपनी पार मोको यो मेरे जेठे भैया। ओ मेरे जेठे भैया ओ मेरे जेठे भैया भैया ओ मेरे जेठे भैया बुलाए ले अपनी पार मोको यो मेरे जेठे भैया। रोए के सरबर कहन लगो भैया ओ मेरे छोटे भैया ओ मेरे छोटे भैया भैया ओ मेरे छोटे भैया। पास नाव है नाव मेरे ओ मेरे छोटे भैया। पास नाव है नाव मेरे ओ मेरे छोटे भैया। भैया मेरे पास नाव ना है लेकिन कहने लगे कबहू कबहू कहे द्रगन जल बहे परस्पर भाई को मरो मरे के संग देव बतलाई। भैया मरे के साथ कोई नहीं मरो धीरज धल्यो भ्रात भई जाए रात मौत सिर छाई और सब खटका मिट जाए सिंगुलिये खाई। भैया तसल्ली धरो रात्रि भई जात उधर से शेर आएगा तुम्हें खा लेगा इधर से आएगा हमें खा लेगा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। दोनों भैया रोए रहे हैं और इधर पूर्वी घाट पर धोबी और धोबिन कपड़ा धो रहे। जब धोबिन के कान में दोनों बच्चों की आवाज पहुंची है नौजवान साथियों आज वह धोबिन एकदम से नदी में से निकली और बाहर खड़ी हो गई। तो धोबी कहने लगा क्या बात है। धोबिन कहने लगी पिया पाती अपने सो धोबिन ऐसे कह रही अपने सो धोबिन ऐसे के रही दी। ए दी मेरी यार जे हम में मेरी यार जे सुनो भारे तार पाती अपने सो धोबिन ऐसे के रही। बोली धोबिन पिया रोने की धोनो आई रही मेरे कान में दी। ये जी कोई रोई रे सैया कोई रोई रे हाँ प्रीतम कोई रोई रहे राजकुमार पति अपने सो धोबिन ऐसे के रही। क्या कहा हाँ कोई बालक रो रहे हैं पिया जिनकी चीख मेरे कलेजों को हिला रही है।
साजन मानो मेरी बात को जी। यदि कोई रोए रहो हम में कोई रोए रहो है दुखिया आधार पति अपने सो धोबनी ऐसी के रही। यदि मेरी याद दे हाँ हाँ मेरी याद दे सुनो भरे तार पति अपनी सो धोबनी ऐसी के रही। क्या कहा कोई बालक? हाँ तो कितनी दर्दीली आवाज है। मोसो कपड़ा न धो रहे, तुम इन दोनों बालकन को ले आ। सुन धोबिन के बेन धोबिया बोलो, जा अंतर घटकी गांठ नारे मत खोलो। महाराज तुम्हें का इन काम अनसो काम, और हो कोई भूत बला मुफ्त में लग जा बेल जाम। तो ही पतो न है जात जा आवाज आ रही है ना, बम मुर्दा जलाई जाते हैं और भूतन ने जो पकड़ लो तो पानी में रगड़ रगड़ के प्राण निकाल दिए। धोबिन कहने लगी भूत क्यों हंसी हो? इसलिए हंसी हूं मैं तो जानती थी कि तुम मर्द हो। क्या मतलब? हाँ मैं ये जानती थी कि तुम मर्द हो। अब का तेरी नजर में हिजड़ा है? हाँ क्यों? पहले थे वो शूर वीर जो ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन पे मानो शंका। तुम मर्द हो? लहंगा पहनो दो टांगन में घर में बैठो घूंघट मारे। हम देखूंगी उन भूतन को धर के दे बीचते फारे। बताओ मरे बहन को डराए रहे हो? एक जिंदा पे कछु करना पाओ, मर गए कहां उखारे बार। तो खकी बानी बिगड़ सामानी धोबी ने खे तो जांगी आलार। और मछली कैसो तहर तु जावे और सरवर ठीक पहुंचो जाए। और छोटो भैया नीरा उठाए कैसो सरवर तहदियो मिलाए। मेरी धीरे धीरे कथा याद आंगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आंगे को बढ़ रही है। आंगे को बढ़ रही है याद आंगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया आज नीर को उठा करके धोबी ने सरवर से मिला दिया। दोनों भैया गले में बहियां डाल के बिलक बिलक के रोने लगे। भैया मैया चली गई और बबलो डूब गए, अब हम तुम रह गए। तो लो धोबिन धीरे धीरे चल तो भैया आएगी। धोबिया कहने लगा तुम यहां क्यों आई हो? चलो कपड़े धोने को रखे। धोबिन बोली तुम कपड़ा धोने की कहो ओ मेरे भरतार, जे बेटा भगवान ने मुख पठाए छप्परू। कपड़ा धो कितनी सुंदर जोड़ी है, जाने कब से तड़फ रही थी। जी
जीवन भर की जलती ज्वाला। धोबिन बोली, इतने दिन बाद बुझानी है मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ और मेरी अको की सिरानी है। मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ और मेरी अको की सिरानी है। मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ और मेरी अको की सिरानी है। धोबी कहने लगा, तेरी खोपड़ी तो नहीं खराब है क्या? ये तेरी औलाद है जिसके ऊपर तू मर रही है, चल कपड़े धो। धोबी ने कान लगे, कहा हो समझ रहा हो ना, एक ही घूसा में ढांचू इकट्ठो कर दूंगी। तू कम ने बोले जान रहो और सुन ले। सो तो भाई धारम के मेरे हैं दिग राखूंगी सांझ सवेरे। तेरे भरोसे ना आई हूं, मैं बहुत रोजगार कर लूंगी लेकिन मैं दोनों बेटन को ना छोड़ूंगी। धोबी कहने लगा, खोपड़ी नहीं खराब है, एक ही पता के मारे चटक जाएगी, तू जानती है कि नहीं? धोबी ने कहने लगी, नहीं हो समझ रहा हूं ना, घूसा के मारे नाक टूटी जे। आगे बढ़कर के धोबिया ने धोबिन के गाल में तार से तमाचा दिया और जो तमाचा दिया सोई दोनों बच्चे बीच में आगे। पिताजी 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 मत मारो मेरी माँ को, देखिए आज उन दुखियों ने उसे अपनी माँ मान लिया। और क्या रो करके बोले, सरबनी पिताजी न मारो न मारो इसी। क्या बोले, तुम क्यों लड़ो हमारे ऊपर, हम ऐसा न भूलू रे, लगो धर्म के मात पिता में चरण आपके छूलू रे। तो मेरे धर्म के माता पिता बहुत विपत का मारा हूं पिताजी, बहुत विपत का। लगो धर्म के मात पिता मैं चरण आपके छूलू रे, और गिरे पसीना तक खून बहाए दूने की सदा कबूलू रे। तुम दोनों कहां के हो? तुम दोनों ने आकर के हमारे घर में झगड़ा और पैदा कर दिया। पिताजी मैं कहां का हूं बताऊं? बोलो। तो आज हिलकी भर के सरबर रोने लगा। अंभा सो नगर जामे अंभे नाम माही पाल, कहने लगा। क्या बोला? अम्भासो नगर जामी अम्ब नाम माही पाली, यहाँ मिली सुगर नार पर दरा सुकाहल, तपसी को दान दियो राध धन से बमार, सत्य कहे मैया हम उन्हीं के दोनों लाले। सब सुकाए खोई सो सारे बारे, भारी हिलकी गौरोई सो सारे बारे, भारी हित की गयो रोए सो सारे बारे। लिखो ललाट दुख विधनानी ए मेट सके नहीं कोई सरबरो, भर हिल की
कहने लगा अम्भासो नगर जा में अम्ब नाम महीपाल आमिली सुगर नार प्रजा रहे सुखहाल तपसी को दान दियो राज धन से बमाल और सच कह पिताजी हम उन्हीं के दोनों लाल मेरे पिताजी ने अपनो राज्य एक महात्मा को दान में दे दियो है और वहां से हम लोग भटियारी के घर आए हैं और भटियारी क्या मेरे पिताजी नौकरी करते थे फिर क्या हुआ। सरवर बोला अरे बात सिदार सीमा भटियारी के घर जाए बाप ने तंदूर धोको ने तसु के पास लाए पता में दिन काटे करे के मंजूरी खाए भटियारी एक दिन मैया को गई लिबाए करके फरेब फंद आई कऊ दुबकाए पूछ पूछ हारे न बतावे बड़ी सतराए भटियारी एक दिन मैया को गई लिबाए करके फरे फंद आई कऊ दुबकाए पूछ पूछ हारे न बतावे बड़ी सतराए ऐब लगाए दो मोर सरवर भारी लगी करो तो भोलो लाला। बहुत दुनिया बदल गई है। इधर जो राजा अम्ब नदी में डूब गया था नौजवानों आठ दिन उछरते बूढ़ते कन्नौज घाट पे जाके लगा मौत नहीं हुई जब परमात्मा नहीं चाहता लोगों बताया नहीं है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न चलने पाएगी। बंधे दिनों का जीवन है बंधे दिनों का मरना है आधार यदि तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है। आधार यदि तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है। कन्नौज का राजा खत्म हो चुका था और रानी का ये आदेश था कि जो सुबह हमारे फाटक पर हमें मिल जाएगा उसी को मैं अपना पिया बना लूंगी। इधर ये नदी से निकल के नौजवान वो फाटक पर जाकर के लग गया है भोरारी रात में और सौ इसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। जो सिपाहियों ने पकड़ा राजा में कहने लगा क्यों तंग करो मुझे जवानों अरे मेरे जवानों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एक सिपाही कहा लगो परेशान कर रहे हैं कि लाटरी खुली गई कन्नौज के राजा बन के रहो। ये कन्नौज का राजा हो गया राजा अम्भो और इधर 11.5 वर्ष हो गई हैं 12 वर्ष में 6 महीना बाकी हैं। रानी आमली का शरीर काला पड़ रहा है 6 महीना बाद ये दुश्मन मेरी इज्जत से रंगलियां मनाएगा बहुत परेशान है। इतना दिन दिन स्वां आज ये दोनों बच्चे जो धोबिन के यहां रह रहे हैं सर्वनीर दिन दिन सियाने भाए लला दो बाला। हाय हाय और क्या हुआ धोबिन ने इनको बड़े प्रेम से पाला महाराज। हाँ महाराज कुमार जब सियाने भाए तैयार
घोड़न पे सवार, हुई घोड़न पे सवार, लला दो खेलन जात शिकार, हुई घोड़न पे सवार। भैया एक दिन सरवर ने नीर को गिरा सुनाए दिए, याद एक दिन सरवर ने नीर से गिरा सुनाई है। अब तो ये जवान हो गए, अरे भैया गजबर की छाती है जवानों की, हैं शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेल के जब लौटे हैं तो सरवर कहने लगा, भैया नीर हाँ आज हम तुम सियाने हो गए और धोबी धोबिन के सर पे फिर भी वजन बने हो, इसलिए ऐसा करो आज मैया धोबिन से पिता धोबी से आज्ञा मांगो और हम तुम नौकरी करने को चलो। ये सलाह करके जिस समय ये दोनों आंगन में आए, धोबी और धोबिन ने दोनों लालों को कलेजे से चिपटा लिया, बेटा दूर शिकार खेलने मत जाना। सरवर कहने लगा, नहीं मैं तो बहुत नजदीक ही शिकार खेलता हूं, कुछ कहना चाहते हो? सरवर कहने लगा, हाँ माँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे बोलो। एक रोज नीर सरवर दोनों धोबी धोबिन से बतराए, धोबी धोबिन से बतराए, मेरी मात तेरे मन घर रह कर सब विध भारी आनंद पाए। हुनर बहुत तुन सिखलाए, हुनर बहुत वो सिखलाए, हम करे नौकरी धन लावे तब होए तुम्हारे मन भाए। मैया अब तो हम जवान हो गए और हम नौकरी करके धन लाएंगे तब तुम्हारे मन भाई होंगे। एकदम से धोबी और धोबिन कहने लगे, लला मेरे घर में बहुत दौलत है और जब दो मुट्ठी मेरी मरघट में भस्म कर दे तब तुम नौकरी को जाना, इससे पहले मैं नहीं जाने दूंगी, धोबिन कहने लगी। तो सरवर नीर दोनों कहने लगे, मैया तुम मुझे आज्ञा दे दो और मैं ये बताता हूँ कि सप्ताह में एक बार तुम्हारी खबर लेता रहूंगा, बिना नौकरी के अब मेरा मन बहुत नीरस रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर है। वाद्य हो गए धोबी और धोबिन, आज सरवर नीर दोनों को आज्ञा दी है कि जाओ नौकरी करो लेकिन बेटा खबर लेते रहना। आज धोबी और धोबिन से आज्ञा लेकर के सरवर नीर जो हैं नौकरी के लिए चले। अटा पर खड़े हो गए धोबी और धोबिन, जब लोग घोड़ों की धूल दिखाती रही देखते रहे और जब घोड़ों की धूल भी नजर नहीं आई है तब कहा रोए कि धोबिन बोली, पिया अब रथु करियो कन्हैया को दूरी, अब रथु करियो कन्हैया को दूरी, कैसी किस्मत है, करियो करियो कन्हैया को दूरी, अब रतु करियो कन्हैया को दूरी। कोयल के सुत कौआ ने पाले, प्यार दो भरपूर उड़िया कन्हैया मेरी गोदी से, हम हुई मजबूर, अब रद्द करियो कन्हैया को दूरी।
करी तीन बे हमने आस करी तीन सो बुढ़ापे की लाठी बने पर आधारू तो धार में छोड़ो पर आधार तो धार में छोड़ो राठौरू भाव मजबूर अब रद्द करियो समरिया गुड़ बता रहा है डोकर ऐसा तो नहीं हम डोकर हैं इसलिए बता रहा है पाई के जवानी तू इतनो ठलावे मती पाए के जवानी तू इतनो ठलावे मती आवे गो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे भले भले तेरे एक ऊन देंगे साथ मले मले हाथन में छाले पड़ जाएंगे। नारद तुम हमें बुढ़ापा बता रही सूख जाए खाली और पिचक जाए गाल तेरे दृष्ट घटे नैनन में जाले पड़ जाएंगे सोबत में खटिया की पाटी पे रहे गो हाथ चालत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे अब रत करियो समरिया को दूरी अब रतु करियो समरिया को दूरी अब रतु करियो कन्हैया को दूरी। अब तो चला गया है रत धोबी कहने लगा पराए बच्चों पर दीवानी क्यों हो रही हो आगे घोड़ा है सरवर का और पीछे नीर का है तो क्या देखा उन्होंने एक कुआं पर एक लड़की बैठी है जिसकी उम्र कितनी है 18-20 वर्ष की और लड़की भी कैसी है कछु मत पूछो गोला गोला मुंह बड़ी बड़ी आंखें और आंखें ऐसी के हिरणियां शरमाए जाए नाक है नाक देख के तोता उड़ जाए ओठ कछु मत पूछो संतरा कैसी खाप है कौन हो तुम लड़की कहने लगी तुम्हें क्या मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं तुम सुंदर बहुत हो लड़की कहने लगी इसका मतलब सरवर कहने लगा सुंदरता भगवान का रूप होता है आप कहना क्या चाहते हो तो क्या जवाब दिया है सरवर ने कुआ पर अकेली बैठी हो तुम कौन कहां से आई हो इतनो तो मोए समझा दी जो तुम कुआरी हो या ब्याही हो शर्वर ने जब ये पूछा तो लड़की बोली तुम अपना मतलब बताओ शर्वर कहने लगा मैंने कहा ना सुंदरता भगवान का रूप होता है जो पीछे खड़े मुस्कराते हैं वो भाई लघु तो हमारे हैं गर तुम कुआरी जो गोरी हो हम दोनों भैया कुआरे हैं
अगर तुम कुआरी यदि गोरी हो हम दोनों भैया कुआरे। अगर तुम कुआरी हो तो हम दोनों भाई कुआरे हैं, घोड़े पर जो खड़े हैं वो हमारे छोटे भाई नीर हैं। एकदम से वो लड़की कहने लगी मैं तो कुआरी हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि तुमने ये प्रश्न हमसे क्यों किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें जीवन साथी कोई मिले, हम दोनों भाइयों का जीवन नीरस है। एकदम से कहने लगी तुमने मुझे देखा और तुम्हें हमसे प्यार हो गया। हाँ, लेकिन जवाब दिया मैं ऐसे प्यार को प्यार नहीं मानती। क्यों? तुमने मेरी सुंदरता को देख करके हमसे प्यार किया, तो सुनो जाओ आगे बढ़ लो दोनों, ये प्यार की नायब प्यासी है। मेरा अगर परिचय चाहते हो तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरे मैया बाबुल मर गए हैं और मेरा कहीं मकान नहीं, और प्यार के सौदागर सुन ले ये प्यार की यहां दुकान नहीं। यह प्यार की दुकान नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरे माँ बाप मेरा साथ छोड़ गए। एकदम से सरबर कहने लगा मैं वो बेवकूफ आदमी नहीं हूं जो प्यार का झाला दे करके किसी के सतीत्व को नष्ट करूं। मैं तुमसे गंधर्व शादी करने को तैयार हूं। इतना जो कहा है मेरे नौजवान साथी, और शरबर ने रास्ता चलते ही उस कन्या के साथ में गंधर्व शादी कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह शादी करने के बाद आज आगे को बढ़ गए हैं सरबर। जब आगे को बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर कन्या चक्करपुर नाम के नगर की जो है वो गांव से बाहर निकली है। जब गांव से बाहर निकली और उसने घोड़ा पर आगे घोड़ा पर देखा कि एक स्त्री एक जवान बैठा है और पीछे वाला घोड़ा खाली है जिस पर एक युवा है, तो वो लड़की आगे बढ़ के बोली नीर ने अपने घोड़े को खड़ा कर लिया। कौन हो तुम? घोड़ा वाले जवान ने के रुक जाइयो मैं तो चेर रही हूँ। वो लड़की कह रही है घोड़ा वाले जवान ने के रुक जाइयो मैं तो चेर रही हूँ। खड़ा कर दिया है नीर ने घोड़ा और सरबर भी एक खेत पर निकल गया। जब पीछे देखा कि भैया का घोड़ा नहीं है तो उसने भी खड़ा कर दिया। तो वो लड़की बोली आगे वाले क्या ते लगत हैं, आगे वाले क्या ते लगत हैं, क्या ते लगत हैं, क्या ते लगत हैं। धीरे ते मोको समझियो मैं तो टेर रही हूँ। घोड़ा वाले ने कठाड़े हे जइयो मैं तो टेर रही हूँ। जो आगे घोड़ा पर जा रही हैं, जिनके साथ में एक स्त्री बैठी है, ये आपके कौन लगते हैं? तो नीर कहने लगा सुनो गोरी, जो आगे जा रहे घोड़ा पर वो बड़े हमारे भाई हैं, जो पीछे उनकी बैठी हैं वो तो मेरी भौजाई हैं। आपकी भाभी हैं ये? हाँ, आपकी शादी हो गई? नीर ने हंस लिया, कुछ नहीं कहा। बोलो तुम्हें मेरी कसम हो? नीर कहने लगा मेरी शादी नहीं हुई और हम शादी के मूड में भी नहीं हैं। क्यों? अभी हम लोग अनाथ हैं,
कहीं नौकरी मिलेगी, शादी कर लेंगे, पहले खुद कमाएं और बाद में दुल्हन लाएं। खड़े हो जाओ अब नहीं। हंस करके गोरी बोली है, निक सुन ले अरज हमारी है, बबुला मेरे ते मिल ली जो जा समय दुल्हनिया कुआरी है। मेरे पिताजी से मिल लीजिए आप, और मैं मन से आपको पति मान चुकी हूँ। मन का स्वयंवर है, और मन जिसे पति मान ले उसी के लिए स्थान हृदय में होता है। एकदम से नीर ने कहा, भैया हाँ भाभी की देवरानी बुला रही है। एकदम से उतर पड़ी है वो लड़की घोड़ा पैसे, और जब उस कन्या का रूप देखती है तो मुस्करा के बोली है, तुम बुला लो। तो बंधुओं, सुखसेन नाम के साहूकार थे, उनकी वो लड़की थी। सामने आ गए, एकदम सुखसेन जी कहने लगे, तुम दोनों की सुंदरता देखकर हम खुश हैं, अपनी लड़की की शादी आपके साथ करने के लिए उद्यत हैं। और वह सुखसेन ने बड़ी खुशी के साथ में अपनी लड़की की शादी कर दी। नौकरी की तलाश में जा रहे हैं दोनों, रास्ते में ब्याह होगा बिना बारात के। कहां जाकर के पहुंचे, कन्नौज नगर में, जहां उनका पिता राज करता था। क्या हुआ, जब से राजा अंभो कन्नौज का राजा हुआ है तो जानते हो, अरे करे प्रजायानंद भूप को नीति लगे प्यारी। करे प्रजायानंद भूप को नीति लगत प्यारी, लगी धर्म की ज्योति मिट गए खल अत्याचारी। अरे रहे नाई रिश्वत खोरी, और डाके की का चलत नाम की होती ना चोरी। फिर भरती के कर भैया, और भाई समय पे पहुंचे नीरे और सरबर दो भैया, मेरे भरती के कर भैया। दरोगा देखे सियानो है, जब दरोगा ने देखा है दोनों जवानों को बहुत खुश हो गया। दरोगा देखे सियानो है, शरबर नीर से आई के बू फोरन बतरानो है।
अरे तो तुम घोड़न का पाओगे और लाख टका हाय मिले नौकरी यहाँ बजाओगे। भाई दोनों भैया राजी और सरवर नीर को लेके चल भाई सुनो दरोगा जी। भाई दोनों भैया राजी सरवर नीर को लेके चल भाई यार दरोगा जी। भाई दोनों भैया राजी नौकरी मिल गई। इधर क्या हुआ, चीन मुल्क से सौदागर जहाज को लेकर के अपने वतन के लिए चला। रानी आमली बेटों के दुख में काली पड़ गई है। जब घर को चलो है जहाज तो घबराने लगी कि अब तो सिर्फ 12 साल में 3 ही महीना बाकी। रोने लगी, हे बनबारी हे गिरधारी मैं तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। ए गिरधारी ए बनबारी मैं तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। बारह साल का वादा करके अपनी लाज बचाई, महीना 3 बहे बाकी वेतन से दीजो मिलाई। अरे हाँ पिया से दीजो मिलाई, हे गिरधारी हे बनबारी में तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। आम की डार कोहलिया बोली, पपिया बोल गौ पीपरा डार। रानी चीखती है रे बाजाज में के बाजा पे फपक रे पड़ो आधार। आज जहाज को लेकर के सौदागर जब चल देता है और नौजवान साथियों जहाज जब शाम हुई है तो कन्नौज घाट पे आके लग गया। जहाज में माल है। रानी कहने लगी, भैया ये कौन सा नगर? कन्नौज। जहाज में माल है भैया, 2 सिपाही चाहिए, चले जाओ। एकदम से सौदागर राजा आम की कचहरी में पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो, मैं पुश्तैनी सौदागर हूं और विदेश से माल लाता हूं। हमारे जहाज में माल है, हमें 2 रक्षक चाहिए जो रात्रि में वहां पहरा देते रहे, भादों की रात है। राजा ने फौरन ही दरोगा जी को हुक्म दिया कि 2 सिपाही भेजो, अगर कहीं जहाज लुट गया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। दरोगा जी ने दीवान से कहा कि 2 सिपाही भेजो। जब ये दीवान ने कहा कि कौन ऐसा है जो भादों की रात में जाकर के जहाज का पहरा लगाए, सब जवानों की गर्दन नीचे झुक गई। एक जवान उठ के कहने लगा, जे लाख टका जो दोनों जवान पाते हैं, अभी तक इन्होंने कोई ड्यूटी जॉइन नहीं की, मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही जाकर के ड्यूटी पर तैनात हो। जो सर्वनीर से ये कहा है बंधुओं, दोनों जवान खड़े हो गए। अरे भाई प्यार ये कलेमा में
लागल है मामे और हम जाज रखे बे कुजामे। अरे सवरजनी जहाज रखा में और घुटने तक नाई नमावे। हम जा रहे हैं जहाज रखाने के लिए और जाकर के भादों की रात है लोगों। दोनों सिपाही वहां खड़े हो गए। इधर रानी दुख में जग रही थी तो जब रात आधी होती है तो भादों का महीना तो आप जानती हो। ए धड़ 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 बादल गरजे पृथ्वी कांप कांप रह जाए। बिजली चमकती है रे अब ऊपर पुरवाई की परे फुआरी और नीरू कहतुए तब सरवर ते बीरन सुन ले कान लगाए। ऐसी बात कहो रे मेरे भैया जासो जरात पार हो जाए। और दोनों सिपाही न किए जब बातें रानी सुनन लगी थी बहराए। रानी आमली ने दोनों सिपाहियों की बातें सुनने लगी है। जब नीर कहने लगो भैया रात पार ना है रे कोई ऐसी बात कहो जैसे रात पार रह जाए तो सरवर कहा बोलो। सरवर बोला न लागो वीरन सुन ले कान लगाए। कहो तो कह दे अपनी बीती के जग बीती दे सुनाए। कहो अपनी बीती सुना दे या संसार की। नीर कहन लगो अपनी बीती सुनाए दे। इधर बाकी मैया दोनों की सुन रही है बैठी बैठी कहा बातें हो रही दोनों में। और हिलकी भर गई तब सरवर की बिरना सुनिए कान लगाए। अम्बा नगरी में ग्रामो हमारो पिता अम्ब तो दे समझाए। और मैया मिली हती हमारी साधु ने राज छीन लो आए। और हम तुम चारों को तो महात्मा ने अपन राज से दौ तो निकार। और भटियारी के करिए नौकरी बीरन सुनिए कान लगाए। और भटियारी ने मैया मरवाए दई बबोला नदी में डूब गए जाए। और धोबी धोबिन तब मोह ले गए पालिक सियानो दौ तो बनाए। और इतनी बात हो न जब पाई मुर्गा ने बांग छोड़ दैया। और भाव तो बुरा रो भाई घाट पे जानो सुनियो कान लगाए। इतनी कहानी हो पाई तब तक मुर्गा ने आवाज लगा दी। दोनों सिपाही बोले सौदागर अपने जाज को देखना मैं जा रहा हूं सुबह हो गया चला गया। जब सरवर नीर दोनों चले गए अब रानी को शंका हो गई। यही मेरे दोनों बच्चे हैं। फौरन ही रानी उठी और जो जहाज था ना उसके कमरे जो थे जिसमें माल था जितना माल था सब नदी में झोंक दिया। जब सौदागर जगा और जब उसने कमरा खाली देखे तो एकदम पूछा बहन हाँ ये कमरा कैसे खाली कहाँ देखो ना। रानी कहने लगी भैया धोखा होएगा कैसो। जो रात सिपाही आए हैं उन्हें सब ताले टटकाए हैं। मन माने माल चुराए हैं अब क्यों ना रपट लिखाए हैं। जो रात में सिपाही आए उन्होंने सारो माल चुरा लो बहुत जल्दी राजा के पास जाओ। एकदम से राजा की कचहरी में जाके सौदागर पछाड़ खा के गिर पड़ा। अन्नदाता रचक ही भचक बन गए। अरे क्या हुआ राजा अम्म ने पूछा। सौदागर कहने लगा आपने जो सिपाही भेजे थे वो सब हमारा माल ले आए। गवाह कौन है हमारी औरत
एकदम हुक्म दिया दरोगा जी को, दोनों सिपाहियों के कमरों की तलाशी लो और दोनों को पकड़ के हमारे सामने हाजिर करो। शरबत नीर दोनों बच्चों के हाथ पीछे बांध दिए गए। बीच कचहरी में पेश किया है लेकिन लोगों बाप ने अपनी औलाद को पहचान नहीं पाया। सौदागर से कहा जाओ अपनी औरत को लिवा के लाओ जो गवाह है। अब रानी के पास आओ, कहां लगो बहना गजब हुई हो कहा, बट सकबकी में हम समझ ही ना पाए। उन्होंने पूछी गवाह कौन, हमने कह दी हमारी औरत। रानी कहने लगी कछु ना, ये घंटा को औरत ही बनी है तो कहा हो गया। चलो चल दई, कैसे जा रही है? धीरे धीरे रानी चाले भाई दे दे भमर कालेन पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंप कालेन पे। धीरे 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 रानी जाती अरे जा तो चलाती मंधुरिया, भाई मेरे प्याल जा तो चलाती मंधुरिया। रानी पहुंच गई दरबार में रे जग बेदा थारे, सिसकत है जग धोदा थारे। आ गए गब? हाँ यही है। राजा कहने लगा यही सिपाही हैं जो रात में तुम्हारे यहाँ पहरा देने गए थे, जिन्होंने तुम्हारा माल लूटा है। बंधु जो अपने कलेजे के टुकड़ों को देखा, 12 साल बाद लाला में रहे हैं लोगों, कौन मैया ऐसी होगी जो सब्र कर लेगी? एकदम से चीख पड़ी, नहीं। सभा में सन्नाटा, क्या कहे क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये क्या हुआ, तुम रो रही हो? कहा बोली रानी, अरे नहीं माल इन्होंने लूटा, अरे नहीं माल इन्होंने लूटा और सौदागर बिल्कुल ढूंढा। अरे सौदागर बिल्कुल झूठा, आगे फूलो खुल जाए है बूटा। इसका क्या मतलब, मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है।
रानी कहने लगी, राजन सिपाही तो यही है लेकिन रात में इन्होंने जो कहानी कही है वो हमें कहानी सुनवा दीजिए। राजा कहने लगा, हराम जादे हो तुम, रात भर कहानियां कहते रहे, माल कोई दूसरा ले गया? बोलो रात में तुमने क्या कहानी कही? सरबन नीर रोने लगे, कहने लगे, राजन जब रात हमसे नहीं कटी तो मेरे भैया नीर ने कहा कि तुम कोई ऐसी बात कहो जो रात पार हो जाए, तो हमने अपना ही दुख का इतिहास सुनाया था। राजा हम कहने लगे, तुम कहां के रहने वाले हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बंधुओं सरबर क्या बोला? मेरो अंबा नगरी गामो जहाँ के बेतो अंबराज तप धारी रे, महात्मा को दानव दे दई बबुला ने राजधानी रे। और फटकार को तो काल दो हम चल भाई तीनों प्राणी रे, हम तीन ये समझदार थे, ये मेरा नीर भैया अबोध था। इतनी कथा हो नोई पाई भूप गो तो भैराई रे, गद्दी पे ते टूट पड़ो के कनक गिरो भैराई रे। बेटा बेटा ए बेटा बेटा नो मैं हूं तुम्हारा बाप। सरवर नीर को आज राजा ने छाती पे लौट लगाई रे। मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं हूं सरवर नीर। आप यहां, आप तो नदी में डूब गए थे। मां मेरी माँ कहाँ है? लेकिन बंधुओ मैया आमली आज बेतन पे दादा जब बादसी टूटी रे, दशा देख के सौदा गिर किया धारु नबदिया छूटी रे। बेटा ए बेटा मैं हूं तुम्हारी माँ। जब भागो रे रानी ने इशारा करो के पकड़ो निकलो जा तू भागो रे।
एकदम से सौदागर को वहीं पकड़ लिया। कमीन हरामी के पिल्ला, अब तुझे देखेंगे। बोल कुत्ता, ये तेरी औरत है? कमीन तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। नीच, नहीं मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मेरा दोष नहीं, भटियारी ने जबरदस्ती इनको मेरे सर मर दिया था। जला दो सिपाहियों, जाओ चक्करपुर में छुटको नाम की भटियारी, उसे जल्दी पकड़ के लाओ। चार सिपाही चल दिए हैं। क्या हुआ? पहुंचे सिपाही जाकर के छुटको नाम की भटियारी के दरवाजे पर। अरे घुस गए भटियारी के घर में, अरे रसालो डार कमर में, सीधी कर दई है चार हंटर में। खींच करके दरबार में उसे पेश किया। जो सौदागर को भटियारी ने देखा है, पैरों के तले जमीन खिसक गई। आ गई? अरे हाँ साहब, गलती। तुमने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हारा नौकर हूं जो पत्ता बीन के लाता था। ये तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हारे यहां रोटी करती थी, जिसे तुमने छेनाल बताया था। पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। कितने में से बेचा था तुमने? नहीं, आगे बढ़ करके जो धर के हंटर लगा पीठ में, एकदम बिलबिला के जमीन पर गिर गई, फिर खींच लिया ऊपर को। बोल कितने में बेचा से वो कुतिया? आंखों में आंसू आ गए, वो कहने लगी 1.25 लाख में। खरीदने वाले कुत्ते, तू बोल। नहीं सर, हाँ इस कुतिया को पकड़ के तिराए पर जमीन में छाती तक दबा दो, और तीरों से इसके शरीर को छलनी करके इसकी चांद काट के दही डालो, कट्टर कुत्ते छोड़वा दो उसके ऊपर। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, अब कभी नहीं करूंगी ऐसे, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आज भटियारी को तिराए पर दबा दिया गया, तीरों से शरीर छलनी कर दिया, तड़फा तड़फा के मारा। अब सौदागर को हुक्म दिया, इस कमीन को फांसी दे दो। मुझे बहन माना है, ये मेरा धर्म का भैया है, ये मैं मानती हूं। कोई भैया बहन को खरीदता नहीं है, शायद हो सकता है इसकी कोई बहन न हो, बहन के प्यार के लिए इसने मुझे खरीदा हो। कौन ऐसी बहन होगी जो अपने धर्म के भैया को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकते हुए देखेगी? इसे प्राण दान दे दो भैया, प्राण दान दे दो, मेरी मानो ना। तुम क्या कहते हो? अगर मुझे मार दो तो न्याय है, और छोड़ दो तो आपकी दया है, मगर ऐसा गंदा काम कभी मत करना। पराई बहन बेटी की इज्जत को खरीदना, उसके साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है। जो सौदागर वहां से चला, एकदम से आसमान से विमान धीरे धीरे नीचे आ गया, जिसमें विश्वामित्र, जिन्होंने राजधानी को संकल्प में लिया था, और चतुर्भुजी बने भगवान बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सामने विमान आया, राजन तुम धन्य हो,
जो तुमने धर्म पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया, वरदान मांगो। रानी कौन सा वरदान मांग रही है, राजा कौन सा मांग रहा है? रानी से कहा, बेटी तू वरदान मांग। तो रानी आमली कहने लगी, महाराज एक वरदान दे दो। क्या? हम जब जब धर के दे हौरे जा जग में स्वामी आऊं, मुझे सैया मिले रे पुत्र जे ही पाऊं। महाराज हमें वसुदेव यही वरदान, पति के चरणों में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। मेरे सामलिया, मेरे सामलिया, मेरे पिया मुखो ईश्वर है, मैं तो ही नहीं पे होवे बलिहार। मेरे सामलिया, मेरे पिया के मुखो ईश्वर है, मैं तो ही नहीं पे होवे बलिहार। मेरे सामलिया, मेरे पिया के मुखो। जब जब शरीर धारण करके आऊं तो जय ही तो मुझे पति मिले और जय ही बेटा मेरी कोख से पैदा हो, बस यही चाहती हूँ। भगवान कहने लगे, तथास्तु ऐसा ही होगा। स्वद्मा सर्वभूता न ज्ञातमा में शांत मूर्छत, सर्वभूतों में व्यापक परमात्मा ने इस तरह से वरदान दे दिया। राजा से कहा, तुम वरदान मांगो। राजा कहने लगे, साई इतना दीजिए जा में कुटुम समाये, मैं भी भूखा न रहूं और साधन भूखो जाए। आज विश्वामित्र विमान के साथ चले जाते हैं। राजा ने नीर को तो कन्नौज का राजा बना दिया और सरवर को अंबा नगरी का राजा बना दिया। रथ को भेज करके धोबी धोबिन को बुलाया है। धोबिन नीर के पास रहने लगी और धोबी सरवर के पास रहने लगा और राजा अपनी प्राण प्यारी रानी को लेकर के वन में भजन करने चला गया। मैंने सरवर नीरक का थारे मेरे मित्र सुनाई दई गाके, सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते लीजो यारो करियो माप कसूर। महाराज ध्यान मेरे गीतन पे दीजो और असली कैसित हो तो राठौर कैसित ले लीजो। करिया नांगिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया।